फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुभा कपिल एंड वेलकम टू क्रेजी कुकिंग विद अनुभा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीका रेड वेलवेट केक को डेकोरेट करने का। इतना आसान तरीका है कि आप में से कोई भी इसको ईजिली डेकोरेट कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी नोज़ल के। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रेड वेलवेट केक और इसको मैंने बनाया है रेड वेलवेट प्रीमिक्स ऑयल और पानी के साथ। कैसे बनाएं, यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये बना लिया है केक और ये हो गया है ठंडा। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं लेयर कट। तो जिसकी आउटर लेयर है पहले हम इसको कट कर लेते हैं नाइफ से। ये फ्रेंड्स, ये लेयर हुए हैं कट, इसको रख देते हैं साइड में। और मैं इसमें से तीन लेयर कट कर रही हूँ, आप चाहें तो दो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको तीन लेयर्स पे कट कर लिया। और ये बता दूँ मैं आपको कि नॉर्मल केक से ये ज़्यादा ही डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अब मैंने इसको तीन लेयर्स में कट कर लिया है और चलिए बढ़ते हैं आगे के स्टेप के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आउटर लेयर जो अपर लेयर कट की थी ना, इधर से तो थोड़ी हार्ड होती है ये, तो इसके अंदर पर जो ये क्रम्स हैं इनको हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ये काम आने वाले हमारे डेकोरेशन के लिए। तो इनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। तो लीजिए, ये क्रम्स हो गए हमारे कलेक्ट, इनको रख देते हैं साइड में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पे तीनों लेयर को अलग अलग रख के इन पर शुगर सिरप से इनको कोट करेंगे और इसके पास भी क्रीम लगा के तीनों लेयर्स को कर लेते हैं हम असेंबल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जो डेकोरेट करेंगे इसकी जो ये सब जो है छिप जाएगा थोड़ा सा, इसका जो इसमें लगा हुआ है ना इसके रेशे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान है इसको डेकोरेट करना। मैंने रखी एक छोटी सी कटोरी इस पर बीच में और बस चारों तरफ एक छलनी सी जो हमने निकाला था ना इसके क्रम्स, इनको हम स्प्रेड कर देते हैं चारों तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे सब तरफ डाल लिया, साइड में हमने इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया। और अब देखिए, धीरे से उठाएंगे इस कटोरी को और देखिए कितना सुंदर डिजाइन निकल कर आया है। अब बीच में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे ही दे सकते हैं। और केक हो गया हमारा रेडी। अब आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि डेकोरेशन का आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक क्लिक की वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।